Good morning, dear kids, and welcome to Shantikunj online classes. Today we are going to start a new chapter, Electric Current and Circuits. Aapka chapter 14 hai, Electric Current and Circuits. Let's start. Many a times we have experienced that our elders stop us from touching any electric appliance with wet hands or without wearing slippers. This is due to our body becomes good conductor of electricity when our body is wet. We should avoid this. आपने देखा होगा हमारे बड़े जो होते हैं हमें किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को गीले हाथों से नहीं छूने देते हैं. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. अगर हमारी शरीर गीला हो तो हमारे शरीर को झटके लग सकते हैं और हमें ये अवॉइड करना चाहिए. We have already learned that the materials which allow of electric current to pass through them are good conductors of electricity. Pure water is a poor conductor of electricity, but the water we get at home, either tap water or well water, is not pure. It contains a lot of impurities in the form of dissolved salts. These impurities make water a good conductor of electricity. So don't touch the electric appliance with wet hands. इसका मतलब है कि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द मटेरियल्स विच अलाउ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि जो भी डिवाइसेस हमारे घर में हैं वो उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर आपको पानी प्योर मिल रहा है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बिजली पास नहीं होगी. ऐसा क्यों? बट द वाटर वी गेट एट होम आइदर टैप वाटर और वेल वाटर इज नॉट प्योर. और जो पानी हमें हमारे घर में मिलता है वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है. तो जब पानी पूरी तरह से प्योर होता है तो उसमें बिजली का झटका नहीं लग सकता. लेकिन अगर पानी जो कि हमारे घरों में मिलता है वो इम्प्योर होता है, उसमें कई सारे डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से ऐसे पानी की वजह से झटके लग सकते हैं. सो डोंट टच द इलेक्ट्रिक अप्लायंस विथ वेट हैंड्स. इसीलिए अपने घरों में जब भी हम कोई डिवाइस यूज करें तब उसको गीले हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज इफ देयर इज एनी लीकेज ऑफ करंट इन टू द हैंडल और बॉडी ऑफ द आइटम यू टच, द करंट विल पास थ्रू योर बॉडी इन टू द ग्राउंड. अगर आप गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को पकड़ते हैं तो करंट आपकी बॉडी के थ्रू आपकी बॉडी में पास होने लगेगा. वंस दिस सर्किट इज कंप्लीटेड यू विल रिसीव अ सीरियस इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है? एक तरफ तो आपके शरीर में बिजली का बिल जाएगा, दूसरी तरफ ग्राउंड में. और जब ये सर्किट पूरा होता है तब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are called poor conductor of electricity. ये भी हम जानते हैं ऐसे devices जिनके through electric current pass नहीं होता है वो poor conductor होते हैं, ठीक है? Electric current will not flow unless it has a complete path circuit that returns to its source. आप ये भी जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि electric current तब तक flow नहीं करता जब तक कि उसको एक complete path, एक कंप्लीट सर्किट नहीं मिलता है. करंट कैन हार्म अस व्हेन इट फ्लोस थ्रू अवर बॉडी. जो करंट हमारे शरीर से होकर गुजरता है वो हमें कई तरह के जख्म दे सकता है, जैसे कि बर्न का फिजिकल इंजरी, जैसे कि हमारी हड्डियां टूट सकती हैं, हम गिर सकते हैं, हमारी मसल्स यानी मांसपेशियां डैमेज हो सकती हैं और हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट करता है. Now let's know about conductors and insulators. Conductor वो material है जो अपने through electricity यानी कि current को बहने देता है, उसे हम conductors कहते हैं. और insulator वो होते हैं जो अपने अंदर से current pass नहीं होने देते हैं. Conductor and insulator are required to save our devices. हमारे घरों में जितने भी devices हैं उनमें conductor और insulator की जरूरत होती है. क्यों? क्योंकि conductor और insulator किसी भी डिवाइस में नुकसानदायक इफेक्ट को कम कर देते हैं जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे. आप इसको समझें,
समझने की कोशिश करिएगा। अगर ना समझ पाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।